गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्वामी की दादी यह पार्ट पढ़ने वाले हैं। और ये पार्ट इस पार्ट के लेखक है आर के नारायण। इस पार्ट के लेखक है आर के नारायण। इन्होंने ये पाठ लिखा है, या इस पाठ में स्वामी की दादी, पाठ का नाम है स्वामी की दादी। स्वामी की दादी कैसी है ये हमें इस पाठ में पता करना है। ठीक है, चलो हम अभी पढ़ते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच, बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी? बैठक और भोजन कक्ष के बीच। बैठक और भोजन कक्ष के बीच हम हवादार अंधेरे गलियारे की कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी। ये जो स्वामी की दादी है ये कहाँ रहती थी? बैठक और भोजन का जो कक्ष है उसके बीच वाली कम हवादार, जो कम हवादार यानी जिस कोठरी में बिल्कुल हवा नहीं आती, कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंसी कोठरी, अंधेरे गलियारे की उस कोठरी में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है और उसमें बिल्कुल थोड़ी हवा आती है। ऐसी बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों और 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर। उनके बिस्तर का सामान देखिए कितना था, 5 दरिया और 3 चादरों, 5 दरिया, 3 चादरों और 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर। पटसन के रेशे का बना है वर्गाकार बक्सा, पटसन के रेशे का बना है वर्गाकार बक्सा। एक बड़ा बक्सा था उस कोठरी में और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े थे। ये जो दादी का सामान था क्या क्या था? 4-5 दरिया थी, दरी और 3 चादर, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर था। पटसन के रेशे वाला एक वर्गाकार बक्सा, चौकोनी बड़ा वाला बक्सा था और एक लकड़ी का छोटा बक्सा था। उसमें क्या रखा था? तांबे के सिक्के और लौंग, इलायची और सुपारी उस बक्से, छोटे बक्से में पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। जैसे ही रात का भोजन होता था और उसके बाद स्वामीनाथन अपनी दादी के गोदी में आकर सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, बड़ी प्रसन्नता से वो दादी को बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। राजन कितनी ऊंची चीज है, ऐसा किसने कहा? स्वामीनाथन ने दादी से कहा, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजन कितनी ऊंची चीज है।
उसने दादी को राजा और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कहा सुनाई। उसने स्वामीनाथन ने अपनी दादी को राजा की पहले दुश्मनी की और फिर दोस्ती की कहानी कैसे सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस वर्दी है। स्वामीनाथन क्या कर रहे थे अपनी दादी को कि तुम्हें पता है दादी उस राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। स्वामीनाथन ने ऐसे बोला कि दादी तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। फिर दादी बोली, सच उसको पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? ऐसा दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक है। फिर स्वामीनाथन ने अपनी दादी से कहा कि उसके जो पिता है वो कौन है? पुलिस अधीक्षक है। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। उसके जो पिता है वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर है। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा उनका। दादी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई, काफी प्रभावित हुई और बोली, उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा। फिर उन्होंने कहा उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। स्वामीनाथन ने कहा कि दादी ने कहा कि उसे पुलिस की वर्दी की क्या जरूरत है, क्यों चाहिए? ऐसा दादी ने पूछा। स्वामीनाथन ने क्या कहा कि उसके पिता जो है वो पुलिस अधीक्षक है और वह यहाँ की पुलिस के बड़े सबसे बड़े अफसर है। ये सुनकर दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनाने शुरू की जब दादाजी जिंदा थे। तो दादी ने उन दिनों की कहानी, कौन से दिनों की? जब दादाजी जिंदा थे तो उन दिनों की कहानी सुनाने शुरू की जबकि स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। स्वामीनाथन के दादा कौन थे? रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले भी कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग पड़े होते थे। जो स्वामीनाथन के दादा है उनके सामने तो बड़े बड़े पुलिस वाले भी कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर तो खूंखार डाकू भी भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा लेकिन दादी बोलती गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। लेकिन दादी की कहानी थी, दादी की जो कहानी सुना रही थी दादी, वो कहानी कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई दादी बोलती गई। इधर उधर की बातें, इधर उधर की घटना
जो जो उनके जीवन में घटी थी वो सब दादी स्वामीनाथन को बता रही थी। बस काफी है दादी, स्वामीनाथन फिर बोला, बोर हो गया वो। स्वामीनाथन बोला, बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले? स्वामीनाथन ने बोला कि दादी बस अब तुम तुम्हारी कहानी खत्म करो, मैं तुम्हें राजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि उसको गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? ऐसा दादी ने पूछा। दादी ने पूछा कि सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? तो अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। फिर स्वामीनाथन ने दादी से क्या कहा? अरे नहीं दादी, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करने की उसकी तरह करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए, ऐसा दादी ने स्वामीनाथन से कहा। चलो अच्छा है, उसको 90 नंबर मिलते हैं, तो तुम्हें भी उसकी तरह अच्छे नंबर पाने के लिए मेहनत करना, अच्छी उसकी तरह अच्छे नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। तुम्हें पता है, दादी ने पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी इतने अच्छे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। किसी सवाल का जवाब देना हो तो वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक देते थे। दादी ने कहा कि तुम्हारे दादाजी इतने होशियार थे कि वो जो उत्तर लिखते थे तो सब परीक्षक भी चकित हो जाते थे, परीक्षकों को भी चकित कर जाते थे। अगर किसी सवाल का जवाब उन्हें देना हो तो वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 100 में से 200 नंबर तक देते थे, तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता, याद आया है, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया, और बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं, इसके जैसा स्वामीनाथन की बुआ की जैसा महामूर्ख कोई नहीं। तो हम ये पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है? तब तक आप स्वामी की दादी यह पाठ यहाँ तक पढ़ना है आपको, और 10 लाइन शुद्ध लेखन लिखना है, ठीक है? ओके, बाय।